मैं सीता कुमार रामनगर जोधपुर से बोल रही हूँ। मैं आज गीता जी की जयंती का दिन है, मैं इसलिए आप सबको बधाई देती हूँ बहुत मन तन से कि जो अपना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसी में गीता जी बहुत पुण्यदायक है। जो कोई गीता और गंगा, लोग कहते हैं गंगा तो संत महात्मा सुनाते हैं तो गंगा तो इंसान की मुक्ति करती है जो डुबकी लगाता है उसकी, लेकिन जो गीता जी है जो पढ़ता है और सुनता है उन सबको मुक्त करती है। मुक्त का मतलब ऐसे नहीं है कि संसार को छोड़ा देती है, लेकिन उनकी मन की जो भावनाएं होती हैं वो सब मुक्त हो जाती हैं और मन निर्मल हो जाता है। कई लोगों के मुख से मैंने सुना है कि जो 18 अध्याय वाली गीता है ये महाभारत है। ये महाभारत नहीं है, अर्जुन और कृष्ण भगवान का संवाद है। कृष्ण भगवान अपने मुख से अर्जुन से बात कर रहे हैं। अपन जब गीता पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपन खुद कृष्ण भगवान से बातें कर रहे हैं। तो ये हिंदू, हर एक हिंदू के घर में गीता जी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा घर ना हो जिसमें गीता नहीं है। गीता का बहुत महत्व है और गीता हिंदू धर्म के लिए गीता सबसे ऊपर है। और सब कितने भी ग्रंथ हैं लेकिन गीता जो 18 अध्याय वाला है ये गीता सबसे बढ़कर है और हर घर में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज गीता जी के दिन बहुत बधाइयाँ देती हूँ और बहुत तन मन से मैं आपको कहती हूँ कि जो भी हिंदू है, सनातन धर्म अपना है, वो अपने घर में गीता जरूर रखे। कोई भी ऐसा घर ना हो जिसमें 18 अध्याय वाली ये गीता ना हो।